हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, कल एक्सरसाइज 7.10 के अपने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या करेंगे। 0 टू 2 dx अपॉन, ये एक्सरसाइज 7.4 की तरह होगा। इसमें क्या करेंगे, इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाते वक्त जो x स्क्वायर होता है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे x स्क्वायर कैसा आपका नेगेटिव है, क्या जाएगा आपका माइनस का कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस के फोर। और इंटीग्रेशन करने से पहले इस माइनस को ये डिजोल्व कर देना वापसी, नहीं तो आंसर नहीं आने का। यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ फिलहाल में। यहाँ गया 1 to 2, लिमिट है 0 to 2, सॉरी डी एक्स एक्स स्क्वायर का एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1, उसका हाफ करो कितना होगा 1/4, स्क्वायर करो कितना आएगा 1/4, प्लस का 1/4 माइनस का 1/4 प्लस 4। यहाँ जाएगा 0 to 2 डी एक्स अपॉन माइनस ए कितना है हमारा एक्स है, बी कितना है 1/2, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यह आएगा 4 4 16 माइनस 1 कितना आएगा माइनस, प्लस का 15/4, ठीक है। यहाँ जाएगा आपका 0 to 2 डी एक्स अपॉन माइनस साइन को अंदर कर देना, उसके बाद आएगा 15/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या जाएगा आपका 0 to 2 डी एक्स अपॉन, यहाँ के 15/2 का होल स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स 1/2a, ए कितना है अंडर रूट 15/2 लॉग ए प्लस एक्स, ए ए कितना है रूट 15/2 प्लस एक्स माइनस 1/2 अपॉन ए माइनस एक्स रूट 15/2 माइनस एक्स माइनस 1/2, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक इसमें यहाँ पे माइनस का तो यहाँ पे बाय माइनस की मल्टीप्लाई करी तो प्लस हो गया माइनस हो गया। यहाँ के आपका अंडर रूट 17/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 1/s² की आइडेंटिटी है 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/17 अंडर रूट लॉग, ऊपर 2 एलसीएम आएगा, यह आ जाएगा अंडर रूट 17 प्लस का 2x माइनस के वन, नीचे क्या आएगा एलसीएम 2 रूट 17 माइनस का x माइनस का 2x प्लस के वन, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, यह आ गया 1/17 लॉग, लिमिट कितनी है 0 to 2, तो यहाँ जाएगा अपर लिमिट अप्लाई करूँगा, अपर लिमिट पे कितना आएगा 2 दूसरा कितना होता है 4 अंडर रूट 17 4 माइनस 1 कितना आएगा 3 अपॉन अंडर रूट 17 2 दूसरा कितना होगा 4 अंडर रूट 17 माइनस 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट आएगी कितनी 0 पुट करूँगा तो रूट 17 माइनस 1 अपॉन रूट 17 प्लस, ठीक है। यहाँ तक पहले अपर लिमिट अप्लाई करी तो अपर लिमिट कितना आ गया 2 2 4 4 माइनस 1 कितना आएगा 3 2 2 4 माइनस के 4 प्लस 1 कितना आएगा माइनस के 3, ये आ गया रूट 17 माइनस 1 रूट 17 प्लस 1 और अपन अंडर रूट 17, ठीक है। यहाँ तक अब इसमें एंट्री जाएगी कौन सी लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या होती है लॉग ए लॉग ए अपॉन लॉग बी, अब इसके अपॉन में आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा रूट 17 प्लस 1 अपॉन कितना आएगा रूट 17 माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक अब इसकी मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होने के बाद रेशनलाइज होगा, इसका आंसर तब आएगा। मैं अभी इसे दोबारा समझा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, देखो दोबारा से। यह आ गया डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, पहले मैंने माइनस कॉमन लिया यहाँ से, यह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस का रखते हैं इसलिए माइनस कॉमन लिया। अब यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना था 1 था, उसका हाफ करा कितना है 1/2, उसका स्क्वायर करा 1/4 प्लस का 1/4 माइनस का 1/4 माइनस 4, यह आ गया एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर
माइनस 17/4 क्या हो जाएगा। अब माइनस साइन जहाँ पे मैंने कॉमन लिया था अंदर देना है। आइडेंटिटी अप्लाई करने से पहले आपको माइनस अंदर रिसीव दो ऑफ से करना है के प्लस का आ गया किसका आ गया माइनस का। अब ये आ गया रूट 17 अपॉन 2 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1 अपॉन 2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स के पहले मैंने 2 रखा तो 2 टू 4 माइनस 1 कितना आएगा 3 2 टू 4 माइनस के 4 प्लस 1 कितना आएगा माइनस के 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा तो कितना आएगा 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा रूट 17 माइनस 1 अपॉन रूट 17 प्लस 1 लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन बी। अब इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट 17 कितना आ जाएगा यहाँ पे रूट 17 इंटू 17 कितना होगा 17 प्लस कितना आएगा अंडर रूट 17 प्लस के 3 अंडर रूट 17 प्लस के 3 रूट 17 इंटू 17 17 माइनस के रूट 17 माइनस के 3 अंडर रूट 17 प्लस कितना आएगा 3 तो 17 प्लस 3 कितना होगा 20 17 प्लस 3 20 20 प्लस 4 अंडर रूट 17 कितना आएगा ये आ गया फिलहाल 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग 17 प्लस 3 20 प्लस कितना आ गया 4 अंडर रूट 17 20 प्लस 4 अंडर रूट 17 नीचे कितना आ गया 17 प्लस 3 20 माइनस के 4 अंडर रूट 17 ठीक है। ऊपर से भी 4 कॉमन आएगा नीचे से भी 4 कॉमन आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग ये बचा आपका 5 प्लस अंडर रूट 17 नीचे बचा 5 माइनस अंडर रूट 17 ठीक है। अगर पीछे से आंसर मैच करना है तो उसको भी रेशनलाइज करना पड़ेगा। किससे रेशनलाइज करेंगे इसके अपोजिट साइन से 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग 5 प्लस अंडर रूट 17 5 माइनस अंडर रूट 17 देखो इसे रेशनलाइज करेंगे आप आगे 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग 5 माइनस अपोजिट का अपोजिट साइन होता है 5 प्लस रूट 17 5 माइनस रूट 17 5 प्लस रूट 17 अपॉन 5 प्लस रूट 17 ठीक है। ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी यह आ जाएगा 1 अपॉन रूट 17 लॉग 25 प्लस 5 रूट 17 प्लस 5 रूट 17 प्लस 17 मैंने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया डायरेक्ट अपॉन कितना है 25 माइनस 17 25 माइनस 17 कितना होगा 8 तो आगे आपका 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग 25 प्लस 17 कितना होगा 32 प्लस के 8 अंडर रूट 17 अपॉन 8 पीछे से इसको स्प्लिट कर रखा है तो आ जाएगा आपका 8 4 जो 32 ऊपर से कॉमन लेंगे 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 5 अंडर रूट 17 प्लस 21 40 ठीक है। ठीक है पीछे उसने 2 और कॉमन ले रखा है क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया पहले माइनस कॉमन लिया माइनस कॉमन लेने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाया उसके बाद माइनस जो कॉमन लिया था अंदर दे दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंट्री लगा दी लॉग ए प्लस बी अपॉन ए एक्स वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन लॉग बी मल्टीप्लाई कर दी इसके अंदर उसके बाद इसको फोर कॉमन लिया कॉमन लेने के बाद रेशनलाइज किया ठीक है आंसर आया क्लियर। तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखो सेवेंथ में क्या है सेवेंथ में लिमिट दे रखी है 1 माइनस 1 टू 1 माइनस 1 टू 1 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 5। अब इसमें क्या करेंगे इसमें भी सेम कंसेप्ट रखना है परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2 है हाफ करो कितना आएगा 1 1 का स्क्वायर करो 1 1 माइनस 1 टू 1 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5 यह आ जाएगा माइनस 1 टू 1 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा प्लस का 4 आएगा यह आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन
माइनस वन टू वन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आइडेंटिटी किसकी होती है? वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए की, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस वन टू वन कितना देगा? वन अपॉन टू टेन इनवर्स अपन ने भी डाली वन प्लस वन टू अपॉन टू माइनस टेन इनवर्स जीरो अपॉन टू वन अपॉन टू टेन इनवर्स वन टेन इनवर्स वन कितना होगा? पाई बाई फोर। तो कितना आ गया? पाई बाई एट। ठीक है आंसर चेक कर लें इसका एक बार। ठीक है सही है इसका आंसर। यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स का कोएफिशिएंट कितना था? टू। हाफ करा कितना है? वन। वन का स्क्वायर वन, वन प्लस प्लस वन माइनस वन प्लस फाइव। यहाँ का एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। टेन इनवर्स वन कितना होता है? पाई बाई फोर। टेन इनवर्स जीरो जीरो। टेन इनवर्स वन कितना हो गया? पाई बाई फोर। कितना आ गया? पाई बाई आंसर आया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका एट। देखो एट में क्या कह रहा है? एट में दे रखा है लिमिट इंटीग्रेशन वन टू टू वन अपॉन एक्स माइनस का वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर ई की पावर टू एक्स और डी एक्स। ठीक है देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने प्रोडक्ट रूल में ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। लेकिन वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट पता है क्या होता है? वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। प्रॉब्लम ये टू कर रहा है और दूसरी बात भाग दिया जाता है ई की पावर एक्स। यहाँ पे ई की पावर कितना आ रहा है? टू एक्स आ रहा है। तो उसको देखो करने का तरीका क्या है। इसमें क्या करूँगा मैं? वन टू टू ई की पावर टू एक्स अपॉन एक्स माइनस ई की पावर टू एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर डी एक्स डी एक्स। एक काम करते हैं इसको आप एज इट इज रखो। ठीक है e की पावर 2x और x में e की पावर x आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और 1 अपॉन x कैसा है? एलजेब्रिक है। आईलेट के हिसाब से आई एल ए पहला एलजेब्रिक आता है। इसका हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। देखो इस वाले में इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ उसको मैं एज इट इज रख रहा हूँ। तो ये कैसे हो जाएगा आपका? 1 अपॉन x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x। ठीक है माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ वन अपॉन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टू एक्स डी एक्स। लिमिट कितनी है? वन टू टू। दूसरे वाले को आप एज इट इज रखो ई की पावर टू एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर वन टू टू। ठीक वन अपॉन एक्स ई की पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? ई की पावर टू एक्स अपॉन टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये प्लस का हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर टू एक्स अपॉन कितना आएगा? टू माइनस वन टू टू ई की पावर टू एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी वन टू टू है ना इस पर इंटीग्रेशन मत करो, इसमें तो लिमिट लगा दूंगा ई की पावर टू एक्स अपॉन टू एक्स पे प्लस इसको ऐसे वापसी दे दो इसे वन टू टू ई की पावर टू एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से पता चलती है चीज़ें। देखो सेम आ गया, ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई? कैंसिल। बस इसमें लिमिट अप्लाई कर दूंगा। कितना आ जाएगा? ई की पावर टू ई की पावर फोर अपॉन फोर माइनस ई की पावर टू अपॉन ई की पावर टू अपॉन टू कॉमन आएगा। क्या बचेगा? ई की पावर टू अपॉन टू माइनस। ये आंसर। ठीक है देखो इसमें हमने क्या करा है, इसको अलग अलग कर दिए, इसका इंटीग्रेशन अब कराए। इसमें हम ना कहने को ई की पावर एक्स वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं लेकिन क्योंकि टू प्रॉब्लम कर रहा था इसलिए हमने नहीं करा। इससे पहले वाले में हमने इंटीग्रेशन करा, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद अपन लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगे। ठीक है आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर एट तक। दो क्वेश्चन है कि कल कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? थैंक यू।